सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले पर सुनवाई हुई। इस बीच कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक 3 दिन में बॉन्ड्स के नंबर के साथ सारी जानकारी चुनाव आयोग को देगा और आयोग उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI को कड़ी फटकार लगाई है। CGI ने बैंक से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा सब बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड्स की अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सभी विवरणों का खुलासा करे जो उनके अधीन है। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं करने और इस तरह अपने पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए SBI की खिंचाई की है, जिसके बाद इस मामले पर बैंक के वकील हरीश सालवे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह से उसका पालन किया। आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गफलत हो गई होगी। हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इसी के साथ हरीश सालवे ने कहा कि जहां तक बॉन्ड्स के नंबर की बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है साझा करने में, हम दे देंगे। वहीं CGI ने SBI से पूछा कि आप किस फॉर्मेट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को रखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक रखने का क्या मतलब था, क्या ये सुरक्षा को लेकर था या कुछ और, अगर बॉन्ड्स को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है। इस पर सालवे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस स्कीम के तहत बेचे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। सबसे पहले बैंक से यह डेटा 6 मार्च 2024 तक शेयर करने को कहा गया था, लेकिन बैंक 30 जून तक तारीख बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। हालांकि देश की शीर्ष अदालत से SBI को खरी खोटी सुननी पड़ी और आदेश मिला कि 12 मार्च तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पूरा डेटा अपलोड करने की बात कही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।